नमस्कार, मैं पीएमडीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही ज्यादा खुशी की खबर हम कह सकते हैं नेपाल के लिए। जहां दोस्तों एक हिसाब से कहा जाए तो नेपाल के पीछे पूरी यहां पे मीडिया जो कि गोदी मीडिया है वो लगी हुई है और नेपाल है वो सबसे आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है। बहुत से ऐसे सेक्टर जहां पे नेपाल अलग करता हुआ आया है और इस सेक्टर के अंदर नेपाल ने अपने आसपास के सारे देशों को पीछे छोड़ दिया है। और इसके साथ साथ मैं बात कर लूं कि नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश बन चुका है जो कि यहाँ पे फ्रीडम के मामले में आगे निकला है, बाकी सारे देशों को यहाँ पे झटका लगा है बहुत ही बड़ा। दोस्तों हम कौन सी फ्रीडम की बात कर रहे हैं और इस फ्रीडम को कैसे अंकित किया जाता है, या फिर हम कहें कि नेपाल ने इसमें किस तरह की ग्रोथ की है, ये सारी बातें हम वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपने सुना तो होगा 2022 की एक यहाँ पे फ्रीडम से पहले की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस लिस्ट निकली थी, उसके अंदर साउथ एशिया के अंदर नेपाल एकमात्र ऐसा देश था जो कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे था या एक नंबर पे था। यानी कि नेपाल से ज्यादा खुश जनसंख्या के लोग किसी भी देश में नहीं थे साउथ एशिया के अंदर। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों व्यापार की दृष्टि से तो नेपाल बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, लेकिन जैसे ही श्रीलंका के अंदर यहाँ पे बवाल मचा तो फिर लोग, या फिर हम कहें कि गोदी मीडिया लग गई नेपाल के ऊपर कि नेपाल के हालात भी यहाँ पे श्रीलंका की तरह होने वाले हैं। अब कई दिन ऐसे चला कि नेपाल के हालात भी श्रीलंका की तरह होने वाले हैं और उसके बाद में यहाँ पे कई गोदी मीडिया तो ऐसे कहने लग गई कि नेपाल के हालात बन चुके हैं श्रीलंका की तरह। लेकिन उनको कौन समझाए कि नेपाल तो अब भी एकदम शांत तरीके से बैठा हुआ है, उन्होंने अपने सारे सिस्टम को मैनेज कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी एक रिपोर्ट जाहिर हुई है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड फ्रीडम जो सूचकांक है 2022 का वो जारी हुआ है और नेपाल एकमात्र ऐसा देश बन चुका है जिसने लीड ली है इस चीज के अंदर। यानी कि जो आस पड़ोस के देश हैं उसके अंदर बात कर रहा हूं मैं, जिसमें कि लीड ली है नेपाल ने और बाकी सारे देश नीचे गए हैं। मैं आपको बता दूं कि नेपाल को छोड़कर भारत और भारत के पड़ोसी देश और नेपाल के पड़ोसी देशों ने रैंकिंग की सूचकांक के साथ नीचे खिसकने की एक बहुत बड़ी यहाँ पे प्रवृत्ति दिखाई है और नेपाल विश्व रैंकिंग में एक साथ या एक बार में 30 अंकों की बढ़त के साथ सीधा 76वें स्थान पर पहुंच चुका है, जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ी लीड कह सकते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए दोस्तों पाकिस्तान की तो वो 157वें नंबर पर है वर्ल्ड फ्रीडम के अंदर और श्रीलंका 146वें नंबर पर है, बांग्लादेश 162वें पर, म्यांमार 176वें पर और भारत की बात की जाए तो वो 150वें स्थान पर है। अगर बात करें नार्वे की तो वो प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे पर है, स्वीडन तीसरे पर है और एस्टोनिया चौथे पर है और फिनलैंड वो जो कि 5वें स्थान पर है। दोस्तों बात करें सबसे नीचे की तो वो उत्तर कोरिया 180वें स्थान के ऊपर यहाँ पे स्थान ग्रहण करता है, जो कि ना ही मानिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी खुशी की खबर क्या है, वो खबर ये है कि मैंने जब से पहले वीडियो शुरू करा था बताया था कि जो गोदी मीडिया है वो नेपाल के पीछे पड़ी हुई है, नेपाल ऐसे हो गया, नेपाल के पास कुछ नहीं है, नेपाल भूखा है, नेपाल वो है, नेपाल ये है, नेपाल के हालात श्रीलंका की तरह बनने वाले हैं और नेपाल है कि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ ऐसा दिखाता है जिससे कि गोदी मीडिया के मुंह पर तमाचा लग जाता है। चाहे वो यहाँ पे सेकेंड इंटरनेशनल ओपन करने की फिक्स डेट बताना हो, चाहे वो नया इंटरनेशनल लीजगढ़ के बारे में खबर देना हो, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे इंडिया और नेपाल के बीच बिटवीन जो रिलेशन बढ़ रहे हैं वो हो, चाहे बांग्लादेश भूटान और इंडिया के बीच जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं वो हो, इसके साथ साथ जो चाहे यहाँ पे चाइना और नेपाल के बीच जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं वो हो, यानी कि प्रत्येक सिचुएशन में जिस तरह से गोदी मीडिया यहाँ पे बुराई करने में लगा हुआ है नेपाल उसकी अच्छाई खुद में खुद दिखा रहा है और मीडिया को लोग बिल्कुल अपने आप समझ रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो सच्चाई वो छुपती नहीं है। और कुछ ऐसा ही यहाँ पे ये वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स के जरिए नेपाल ने साबित करके दिखाया है कि उन्होंने 30 पॉइंट अप
किया है, यानी कि एक साल के अंदर 30 पॉइंट अप करना कोई छोटी बात नहीं होती। और वहीं पे इसके आस पड़ोस के सभी देशों ने डाउन करा है, जो कि सबसे बड़ी बात है यहाँ पे नेपाल के लिए। सबसे बड़ी प्राउड की बात है कि यहाँ पे लोगों को फ्रीडम दी जाती है, और आप जाहिर सी बात है कि लोगों को अगर फ्रीडम मिलेगी तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भी काफी ज्यादा सुधार आएगा। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या ख्याल है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे अपडेट मिलता फिर आपके सामने हाजिर हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।